नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे, आज एक फिर से स्टॉक लेके आए हैं आपके सामने, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मार्केट का हाल देख लेते हैं, आज के दिन क्या हुआ। शायद 2-3 दिन थोड़ा सा मार्केट का हाल कम ज़्यादा हो रहा है। अब निफ्टी 50 में देख सकते हैं लगभग एडवांस यहाँ पे बारिश है और डिक्लाइन यहाँ पे 28 सर अनचेंज, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यह भी थोड़ा सा चार्ट देखते हैं, थोड़ा सा नीचे ऊपर आया थोड़ा सा दिन के, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे ही गया। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे निफ्टी निफ्टी की नहीं, एटो और निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा अच्छा खासा मार्केट को सपोर्ट दिया है। तो लगभग निफ्टी 50 में थोड़ा सा 88 पॉइंट की गिरावट देख यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। यहाँ पे एटो में देखिए लगभग 64 के ऊपर है, और यहाँ पे बैंक में 1250 1200 के करीब है, 512 के चल रहा है उसमें। और इसमें खास बात यह है कि उसने 40,000 का आंकड़ा निफ्टी बैंक ने पार कर लिया है। तो हमारा सेंसेक्स 61,000 है और ये निफ्टी बैंक 40,000 है। ये फार्मा में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो चुका है, और यहाँ पे ये जो सेक्टर है उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे, उसमें भी थोड़ा सा माइनस में चल रहा है। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्टॉक के बारे में जो कि आपके लिए लाया है। एक कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक आपके लिए सबसे बेहतरीन स्टॉक में से हो सकता है, क्योंकि क्योंकि इसका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिस्टिंग कब हुआ है, लगभग बहुत यहाँ पे कंपनी नई नई है। यहाँ पे लिस्टिंग लगभग 3 अप्रैल 2096 को हो गया था। यहाँ पे इसका सेक्टर का पी देख इसका पी देख इस सेक्टर का बी देख सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे आने के बाद हम लो और हाई के बारे में बात करेंगे। तो इसका ऑल टाइम हाई लगभग यहाँ पे इंट्राडे का हाई देखिए 830 है, 890 पे 10 रुपये का गैप है यहाँ पे। और एक साल के यहाँ पे 232 है, लगभग 22 अक्टूबर 2020 को 232 में आपको ये मिल रहा था। और आज के दिन एक साल में लगभग कितना बाय लो से हाई यहाँ पे देख सकते हैं, ये लगभग 991 पर गया था, वो भी 4 सितंबर 2021 को। तो अच्छा खासा उसने मोमेंट बनाया है। तो ये तो हो गया, थोड़ा सा हम आज बात करेंगे थोड़ा सा फाइनेंशियल बात करते हैं उसकी। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल में देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है लगभग 15,825 करोड़ रुपए दिखा रहा है। इस सेक्टर का पीए देख सकते हैं, ये फीस वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर है। ये प्रमोटर के पास कितने शेयर से लगभग 42% शेयर है, FI के पास कितने हैं, DI के पास कितने हैं, अदर के पास कितने हैं, और पब्लिश के पास कितने हैं, और कॉर्पोरेट के पास कितने शेयर्स हैं। इसके ट्रेड वैल्यू देख सकते हैं कितनी है, इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ये ओपन हाई लो और यहाँ पे देख सकते हैं इसका हाई कितना गया था, सब कुछ इसमें दिखा रहा है। तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद इसके बारे में क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें। नेट सेल आप यहाँ पे देख सकते हैं जून 21 में, जून 22 में, फिर इसका जो बैक मार्च, फिर इसका, तो लगभग अच्छा खासा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, सेल अच्छी खासी हुई है उसकी, तो ये देख सकते हैं। इसके बारे में और बात करें तो इसके नीचे थोड़ा सा जाने EPS देख सकते हैं, इसका क्वार्टरली रिजल्ट सेल के बारे में देख सकते हैं, इसमें कितना कितना उसने सेल किया है अलग अलग, इसमें इसमें ग्रॉस प्रॉफिट देख सकते हैं उसका यहाँ पे। उसके बाद और भी है इसमें, EPS भी देख सकते हैं। तो बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो इसकी बैलेंस शीट अच्छी खासी तगड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे ख्याल से। तो अच्छा खासा ये जो फंडामेंटल तो अच्छा तगड़ा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज फॉर्म यहाँ पे है जिसका अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हैं। तो कब कब कहा गया है, मार्च 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 यहाँ पे देख सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं तो अच्छा खासा इसमें थोड़ा सा तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। लग सबसे सबसे बढ़िया जो हम रहते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादातर उस पर जोर देते हैं, तो उसे के बारे में ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा सपोर्ट मिल रहा है उसे, जो हम यहाँ पे राइजिंग दिखा रहा है और यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट अच्छा खासा मिला है उसको। और ये इसके साथ आपको यहाँ पे दो रेड मिलने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा लंबा चौड़ा आपको यहाँ पे कैंडल मिला है। और जब भी यहाँ पे सपोर्ट मिला है तब तब क्या हुआ देख सकते हैं आपको, यहाँ पे सपोर्ट मिला, ये राइजिंग हुआ, यहाँ पे सपोर्ट मिला हमने इसके 550 लगभग 550 के ऊपर, लगभग 585 पे हमने बाय किया। और बाय करने के बाद इजिकल टू 2 हमने रेशियो रखा उसका यहाँ पे। तो हमें लगभग यहाँ पे हमने बाय कब किया समझो, यहाँ पे लिया कि कब था, 17 जून को लिया था, और हमने बाय किया यहाँ पे 17 जून को किया, और हमने
यहाँ पे 7 जून को बाय किया। लगभग इसमें हमने 20 दिनों में हमने कितना प्रॉफिट कमाया यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसका जो हमें यहाँ पे मिला था सपोर्ट, तो नहीं सॉरी यहाँ पे मिला था, इसके बाद हमने लगभग 785 में लिया और हमने 600 600 में, लगभग एक शेयर के आगे हमने प्रॉफिट 100 रुपये कमाया। कितने दिनों में? लगभग 20 दिनों में। तो ऐसे ट्रेडिंग के बारे में हम जहाँ पे हमारा राइजिंग था, ये सबसे बढ़िया है कि हमने यहाँ से राइजिंग हो गया, यहाँ पे भी कॉल बना यहाँ पे और यहाँ पे भी कॉल बना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइडवेज था, यहाँ से हम ट्रेड नहीं लेंगे, साइडवेज चल रहा है। यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट मिला थोड़ा सा, लेकिन एक दिन हमने वेट किया, यहाँ पे लिया। यहाँ पे लेने के बाद 523 में लिया और यहाँ पे 29 अप्रैल को लिया, और यहाँ से हमने इसे 20 मई को, लगभग 20 मई को हमने छोड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग आपको यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट मिला लगभग 20 दिनों के अंदर। तो ऐसे हम बाय करते हैं लगभग यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेड मिला आपको, यहाँ पे भी ट्रेड मिला, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना के दिया। और नीचे आते थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर से राइजिंग था यहाँ पे राइजिंग, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट हमें नहीं मिला क्योंकि हमें ग्रीन कैंडल नहीं मिला, तो हमने उसे छोड़ दिया। यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा मिला लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हो गया। कभी कभी होता है क्योंकि यह साइडवेज यहाँ तक ठीक था, लेकिन हमें साइडवेज जा रहा था, यहाँ से यहाँ तक साइडवेज गया, तो इस एरिया में हमें कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने किया तो लॉस हो गया होगा। तो यहाँ पे सपोर्ट मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो गया यहाँ पे। यहाँ पे सपोर्ट मिला तो अच्छा खासा आपको ट्रेड मिला। तो यहाँ पे लगभग ऐसे ट्रेड होते हैं कि लगभग 2 या 3 महीने में ट्रेड मिलते हैं लंबी अवधि के बाद। यहाँ पे देखिए कब मिला ट्रेड हमें, 29 जून को मिला, उसके बाद अभी यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लगभग 29 जून को कितना था और अब यहाँ पे ट्रेड हमें मिल रहा है। तो आप इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने लेने की कोशिश की है और आपको देने की कोशिश की है। तो चलिए इसके टारगेट के बारे में बताते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो हमारा टारगेट कितना होगा, इंट्री हम लगभग 884 के ऊपर नीचे 2-3 रुपये ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 823 रखेंगे, ऊपर नीचे 2-3 रुपये रख सकते हैं, और टारगेट हम लगभग रखेंगे लगभग 1,006 रुपये का, उसके ऊपर नीचे आप 2 रुपये रख सकते हैं, क्योंकि उसका लाइफ टाइम मेरे ख्याल से इस साल का हाई लगभग 951 है, तो ये हाई तो ब्रेक करने वाला ही है, समझो। हो सकता है इसके साथ हाई ब्रेक करे तो अच्छा खासा मार्केट ओपन हो जाए, तो हम ये बात कर रखेंगे। और हमारा जो दिन में लगभग 3 से 4 वीक तक आप इस वेट कर सकते हैं, ये टारगेट मिलने में आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी जानकारी। तो ऐसे ट्रेड हो जाते हैं जो कि आपके लिए अच्छे खासे हो जाते हैं, हमारे नज़र के सामने रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो आप अपना जो ट्रेड करने वाले हैं तो आप अपने अच्छा खासा एनालिसिस कीजिए, आपका गणित अच्छा खासा होना चाहिए, आप थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए हर स्टॉक के बारे में कैसा उसका परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर फंडामेंटल करते तो आप बैलेंस शीट वगैरह कुछ देख सकते हैं, अगर आप टेक्निकल कर रहे तो आप चार्ट के ऊपर ही कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और नीचे नीचे जाने के बाद आपको ऐसा कैसा कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है इस स्टॉक का तो आपको दिखाने की कोशिश हमने की है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अभी तक हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना भी ना भूलिए।